अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मास फ्रॉम लाइफ बॉय एंड यू आर वाचिंग लाइफ बॉय यूट्यूब चैनल। तो आज की सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने GTA 5 में यॉच डिलेक्स मोड इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मोड बेसिकली आपके जो है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 में एक यॉट ले आएगा। जैसे कि यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऐसा कुछ आपको नज़र आएगा ये यॉट। तो इसको आप अपने GTA 5 में इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करेंगे आप। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसको पहले डाउनलोड कर रखा हुआ है, तो मैं वो खोल लेता हूं फोल्डर जहां पर मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ अच्छी तरह नज़र आएगा। यहाँ पर मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसको मैं ओपन कर लूँगा। इसमें हमें एक फोल्डर नज़र आएगा, न्यू फोल्डर नज़र आएगा। तो यॉच डिलेक्स वर्जन 1.9 ये फोल्डर है, इसको ओपन कर लेंगे। इसमें हमें कुछ फाइल्स नज़र आएंगी, तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ और इसको भी मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अभी हम जाएंगे अपने GTA 5 के जो है लोकेशन में जाएंगे, GTA 5 के आइकन को राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप सेकंड नंबर पर देख सकते हैं ओपन फाइल लोकेशन। ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक कर देंगे हम और यहाँ पर हम GTA 5 के लोकेशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम कुछ एक दो दफ़ा रिफ्रेश भी कर लें, यहाँ पर रिफ्रेश कर लेंगे। तो अभी दोबारा वो वाली आर्ची फाइल खोलें। हमने यहाँ पर करनी है दो फाइल्स कॉपी करनी है सिर्फ। अगर आपके पास मेन्यू है तो, अगर आपको नहीं पता कि मेन्यू कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो भी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पर भी डाल दूंगा। तो अगर आपके पास मेन्यू है तो आप इसको GTA MP अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट्स को ना कॉपी करें, इससे आपकी गेम क्रैश भी हो सकती है। तो अगर आपके पास मेन्यू नहीं है तो आप इसको बेशक कॉपी कर लें। तो मेरे पास फ़िलहाल मेन्यू है, तो मैं इसको नहीं सेकंड नंबर वाले को कॉपी करूंगा। तो मैं करूंगा इसको yachtdeluxe.isi और yachtdeluxe फोल्डर है, इन दोनों को मैं कर लूँगा यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप GTA 5 के लोकेशन में। यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कर लिया है ड्रैग एंड ड्रॉप। तो यहाँ पर आ चुका है yachtdeluxe.asi और यहाँ पर आ गया है ऊपर की तरफ yachtdeluxe एक फोल्डर बन के आ गया है। तो ये आ गया, इसको मैं ओपन कर लूँगा। यहाँ पर हमें दो फाइलें नज़र आएंगी, तो ये इसका मतलब है कि ये इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पर। तो इसको बंद कर देता हूँ, अभी हम खोल लेंगे अपनी GTA 5 गेम। तो चलिए फिर मिलते हैं वो गेम के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपनी गेम ओपन कर ली हुई है। तो अभी हम चलते एग्जिट करते हैं, यहाँ पर एस्केप दबाऊंगा और यहाँ पर मैप पे आऊँगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नज़र आएगा, एक यॉट की तरह, बोट की तरह नज़र आएगा, आपको एक ब्लिप नज़र आएगा। आपने मैं इस पर लगा लेता हूँ, निशान लगा लेता हूँ और फिर यहाँ पर चलते हैं हम। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर वो बोट वाला ब्लिप था, वो वहाँ रहा एक है बना हुआ है गोल सा। तो यहाँ पर मैं गाड़ी रोक लूँगा और चलूँगा और यहाँ पर चलते हैं इसके अंदर, ब्लिप के अंदर। और यहाँ पर प्रेस ई टू बाय अ यार्ड लिखा हुआ है। एक मिनट जरा इसको तो ठिकाने लगा लूँगा, जान खाई है मेरी। तो यहाँ पर हम दबाते हैं फिर ई, और यहाँ पर इसका मेन्यू खुल चुका है। हम यहाँ पर करेंगे बाय करेंगे अपनी यार्ड को। तो सबसे पहले तो इसका यहाँ पर मॉडल है, हम यहाँ पर करेंगे मॉडल सिलेक्ट करेंगे। तो एक वेरियस मॉडल मैं चूज़ करूँगा, मैंने मॉड पहले भी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैंने पहले भी यही सेटिंग्स रखी थी। और दूसरी ये है, ये इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। फिटिंग्स है, फिटिंग्स हम करेंगे गोल्ड कर लेते हैं, गोल्ड फिटिंग्स, इसको बैक कर लेता हूँ। और अब है लाइटनिंग का, लाइटनिंग का ऑप्शन है, लाइटनिंग दबाता हूँ। और लाइटनिंग हम कैसी रख सकते हैं, यहाँ पर प्रेजिडेंशियल गोल्ड, यहाँ पर प्रेजिडेंशियल गोल्ड ही कर लेते हैं, फिर बाद में चेंज कर लूँगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ कर रहा हूँ इस पर, ताकि ख़रीद सकूँ। फिर यहाँ पर कर लेते हैं यूनिफॉर्म था शायद, एक मैंने देखा था पहले, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म कर लेते हैं, इसको बंद कर लेता हूँ बैग। और यहाँ पर एक कंट्री, कंट्री में कर लूँगा, यहाँ पर मैं कंट्री सेलेक्ट करूँगा कैनेडा, तो कैनेडा पे कर लेता हूँ। और यहाँ पर नीचे की तरफ जाऊँगा, यहाँ पर यॉट नेम है, यॉट नेम पर कोई भी नाम रख लेते हैं, लाइव बॉय रख लेते हैं, एंटर दबाऊँगा और ये नाम रख हो गया है यहाँ पर। और चलते हैं चॉपर पे, चॉपर कोई भी रख लेते हैं, यहाँ पर बंद करता हूँ। दोबारा सेकंड चॉपर है, चॉपर दूसरा भी कोई भी रख लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे जाएंगे तो बोट है, बोट भी कोई रख लेते हैं, डिंगी जो भी है ये इसका नाम। तो सेकंड वाली बोट है, सेकंड वाली बोट भी हम कुछ रख लेते हैं, ये तो वो बोट आ गई है। और यहाँ पर है सी शार्क, सी शार्क हम रखेंगे ये, और इसको बैक कर लेते हैं।
और ये दूसरी सी शार्क है, ये भी सी शार्क यहाँ पर रख लेते हैं, और तीसरी सी शार्क है, चार सी शार्क बेसिकली हम रख सकते हैं इसमें। तो ये भी आ चुकी है तीसरी सी शार्क, और यहाँ पर चौथी सी शार्क, और ये सी शार्क भी आ चुकी है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ चेंज कैमरा, कैमरा चेंज करके ये कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। आप इसमें और भी चेंज कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है इसमें आपको मिलेंगे। तो मैं आपको फ़िलहाल सिंपल सा एक दिखा देता हूँ, यहाँ पर इस तरह से नज़र आती है बोर्ड। तो यहाँ पर हमें एंड पर तीन ऑप्शन मिलेंगे, एक तो है चेंज कैमरा, बाय यार्ड और एग्ज़िट। हम यहाँ पर बाय यार्ड पर क्लिक करेंगे और हम यार्ड ख़रीद लिए हमने, और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ उसको बाहर जाकर कि कैसी नज़र आ रही है ये। यहाँ पर जाते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पर हमें नज़र आता है एक हॉट बाथटब है। तो यहाँ पर है ईद बाएंगे, तो यहाँ पर बैठ जाएगा फ्रैंकलिन और यहाँ पर बास लेने लग जाएगा, कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है आपको जैसे। और दोबारा ईद बाएंगे तो ये खड़ा हो जाएगा यहाँ पर स्टैंड अप, और यहाँ पर ऊपर की तरफ है, यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें नज़र आएगा एक चॉपर। तो यहाँ पर आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर है अंदर जाने के लिए रास्ता, एक कंट्रोल रूम है ये। तो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, चेंज लोकेशन है, और सेकंड नंबर पर है ये लिखा हुआ है मॉडिफाई यार्ड है, दोबारा मॉडिफाई कर सकते हैं, पायलट यार्ड चला सकते हैं, सेल यार्ड भेज सकते हैं हम से, और एग्जिट। तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ, दोबारा बैक आ जाते हैं और यहाँ पर दोबारा बाहर की तरफ जाते हैं, और मैं अभी इसको आपको इसके अंदर वाला हिस्सा दिखा लेता हूँ, थोड़ा तो दिखा देता हूँ, आप बाकी खुद देख लेंगे। काफ़ी अच्छा मोड है, मैंने इसको पहले बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये मोड। तो यहाँ पर है आगे जाएंगे हम, और इधर है ऊपर बार वगैरह है शायद, यहाँ पर बार है जो इसका पिछला था वर्जन, उसमें यहाँ पर एक लड़की बैठी होती थी और हम यहाँ पर ड्रिंक भी कर सकते थे, लेकिन इस वर्जन में उसने जो बनाने वाला है उसने क्रिएटर उसने ये कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। यहाँ पर अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, सिंपली एक यार्ड है, इसमें हम गेम वगैरह सेव नहीं कर सकते, सिंपल एक सिर्फ यार्ड है ये। तो इस तरफ है बेडरूम वगैरह है ये सारे, बाकी बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा है ये। और ये बाथरूम आ गया है, और कमोड है, और हम इस तरफ जाएंगे तो हमें ये नज़र आएगा, ये भी सारे बाथरूम वगैरह बेडरूम है, और बाथरूम है, बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम भी है। और फिर चलते हैं बाहर, तो इस तरफ है शायद, इस तरफ ही है बाहर का रास्ता, यहाँ पर है बाहर का रास्ता। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।